ये भाजपा के लोगों ने आपके वोट खरीदने के लिए इन लोगों ने फिर से जुमला छोड़ दिया है और अपने मैनिफेस्टो में डाला है कि 13 तारीख को वोट करो और 2100 रुपया पाओ। ये वोट खरीदना हुआ कोई ना कायदा ना कानून, हम लोगों ने तो कानून बना करके आपके खाते में भेजना शुरू कर दिया और हमने ये संकल्प लिया जो 1,00,000 रुपया आपका खाता में पहुंचाएंगे, इसका पहला कदम अभी दिसंबर में आपको 1,000 की जगह 2,500 रुपये मिलना शुरू हो जाए। और आप लोग बताइए, आप लोग का बिजली बिल माफ हुआ कि नहीं हुआ, जरा बताइए। बिजली का बिल माफ हुआ ना? आज 1,00,000, 2,00,000, 50,000, 60,000 लोगों का बिजली का बिल बकाया था, गरीब गुरुआ कहां से चुकाता हुआ। और जब सरकार नहीं गिरा पाए तो अभी झारखंड के इतिहास में हमारे सरकार का कार्यकाल पूरा भी नहीं हुआ था कि 1 महीना पहले चुनाव करा दिया। क्या ऐसा जरूरत आन पड़ी थी जो 1 महीना पहले पूरा हुआ, चुनाव करा दिया गया? पहले तो ऐसा नहीं होता था, इनकी डबल इंजन की सरकार में तो ऐसा नहीं होता था। वो इसलिए इन लोगों ने पहले कर दिया कि जिस तरीके से हम लोगों ने आप लोगों के लिए काम करना शुरू किया, यहाँ के आदिवासी मूलवासी, यहाँ के हर वर्ग के प्रति जो हम लोगों ने विकास के जो योजनाएं हैं घर घर तक पहुंचाने का काम किया, तो इनको लगा कि अगर ये पूरे और लंबे समय तक रह गया फिर चुनाव लड़ना तो छोड़ो, भारतीय जनता पार्टी का लोग झंडा रोने वाला भी नहीं मिलेगा। जिंदाबाद। आप ही लोग बताइए, यहाँ बड़े पैमाने पर महिलाएं हैं, महिलाओं के खाता में 1,000 रुपया जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जा रहा है ना? आप लोग को पसंद आई योजना? और हमने संकल्प लिया है आने वाला समय में फिर से हम लोग की सरकार बनेगी और 5 साल के अंदर हर गरीब और आप लोग के खाते में 1,00,000 रुपया पहुंचाने का। और अभी जब हमने 1,000 रुपया खाते में देना शुरू किया, हमको लगता है 2-3 महीना का चला गया है ना जी। चलिए बहुत बढ़िया। तो हमारे इन बेईमानों ने, ये भाजपा के लोगों ने आपके वोट खरीदने के लिए इन लोगों ने फिर से जुमला छोड़ दिया है और अपने मैनिफेस्टो में डाला है कि 13 तारीख को वोट करो और 2100 रुपया पाओ। ये वोट खरीदना हुआ कोई ना कायदा ना कानून, हम लोगों ने तो कानून बना करके आपके खाते में भेजना शुरू कर दिया और हमने ये संकल्प लिया जो 1,00,000 रुपया आपका खाता में पहुंचाएंगे, इसका पहला कदम अभी दिसंबर में आपको 1,000 की जगह 2,500 रुपये मिलना शुरू हो जाए। और आप लोग बताइए, आप लोग का बिजली बिल माफ हुआ कि नहीं हुआ, जरा बताइए। बिजली का बिल माफ हुआ ना? आज 1,00,000, 2,00,000, 50,000, 60,000 लोगों का बिजली का बिल बकाया था, गरीब गुरुआ कहां से चुकाता हुआ। और आज हमने आपका बिजली का बिल भी बकाया किया और 200 यूनिट बिजली भी फ्री कर दिया आप लोगों को। पहले तो बिजली आता नहीं था लेकिन बिल जरूर आता था, लेकिन अब बिजली आएगा 24 घंटा आएगा लेकिन बिल आप लोगों के घर पे नहीं आएगा। और तो और, हमारे इस राज्य के किसान जिसकी आय दुगुना करने के लिए हमारे भाजपा के लोगों ने
2014 से लेके आज तक आए दिन मैनिफेस्टो में डालते हैं, भाषणों में बोलते हैं, लेकिन सालों साल तक किसान दिल्ली में इनको घेर के बैठा रहता था, इनका आय दुगुना नहीं हुआ। हजारों किसानों की मौत हो गई मौसम के मार से। झारखंड के भी किसानों की वही हालत। डबल इंजन की सरकार में कितने किसानों ने आत्महत्या कर लिया। कम बारिश, अधिक बारिश, बाढ़, सूखा के वजह से अनेक किसान, हजारों किसान, लाखों किसान कर्ज के तले दबे हुए थे। 20 साल में राज अलग होने के बाद पहली बार हम लोगों ने 2 लाख रुपया किसानों का ऋण माफी करने का भी काम किया है। आज इसीलिए हम लोग आप लोग के बीच में वोट मांगने का अधिकार भी रखते हैं। आज आपके घर घर घर, पंचायत पंचायत, गांव गांव जाकर के आपकी समस्या का समाधान सरकार के कर्मचारी कर रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जो आज के दिन में मैं ब्लॉक ऑफिस नहीं देखा था, बीडीओ को ने, सीओ को ने कभी नहीं जाना, लेकिन आज वही बीडीओ, वही सीओ, वही कर्मचारी ब्लॉक छोड़ छोड़ करके आपके गांव में, पंचायत में, पंचायत भवन में कैंप लगा करके आपकी समस्या का समाधान कर रहा है। आने वाला समय में हम ऐसी नीतियों के साथ आगे बढ़ेंगे कि इस राज्य के लोगों को ब्लॉक, जिला कहीं जाने का जरूरत ना पड़े। आज डीसी, बीडीओ, सीओ, एसबी को तनखा क्यों मिलता है? वो आपके सेवा के लिए मिलता है। आने वाला समय में आपको जाति प्रमाण पत्र बनाना हो, आय प्रमाण पत्र बनाना हो, तो सभी चीजें आपके दरवाजा में बनेगा। अब ब्लॉक ऑफिस जाने का जरूरत नहीं था। जिंदाबाद कांत त्रिपाठी, जिंदाबाद। 20 सालों में राज अलग होने के बाद 20 वर्षों तक हमारे गांव देहात की जो गरीबी है चरम सीमा पर पहुंच गई। देश की सरकार ने, जो एनडीए की सरकार है, आज महंगाई आसमान छू रहा है, लेकिन गरीबों की आमदनी नहीं बढ़ती और आज गरीब और गरीब, अमीर और गरीब और अमीर होता जा रहा है। आज इनके पास, गरीबों को पैसा देने के लिए इनके पास पैसा नहीं है, महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए इनके पास पैसा नहीं है, हमारी बच्चियों को पढ़ाने लिखाने के लिए इनके पास पैसा नहीं है, किसानों का ऋण माफ करने के लिए इनके पास पैसा नहीं है, लेकिन इनके अपने व्यापारी मित्रों का अरबों खरबों रुपया माफ करने का इनके पास अरबों खरबों रुपया है। तो कई ऐसी चीजें आज हमारे गांव में जाके खोजिएगा। एक समय ऐसा था जहां एक दो लोग, बुढ़ा बुजुर्ग लोग को पेंशन मिलता था। आज डिबरी लगा के खोजोगे तो कोई ऐसा बुढ़ा बुजुर्ग नहीं मिलेगा जो बिना पेंशन का है। कानून बनाया तो कई ऐसी बातें हैं साथियों। आज हम लोगों ने काम किया है, कोरोना का जंग भी देखा और उस जंग में झारखंड के मूलवासी आदिवासियों को बचाया और इसके लिए हमें बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी। हमारे हाजी हुसैन अंसारी साहब, जगन्नाथ मातो, आप लोगों की सेवा करते करते कोरोना साथ लेके उनको चला गया, तभी ये राज्य की जनता सुरक्षित बची। आज ये राज्य पूरा देश को ऑक्सीजन सप्लाई किया और आज अगल बगल के राज्यों में आप देखें कोरोना में क्या हालत था। और हमारे राज्य के भी कई लोग अलग अलग राज्यों में जाके फंस गए थे कोरोना में, लॉकडाउन हो गया, गाड़ी मोटर हाट बाजार सब बंद हो गया, कोई घर वापस नहीं आ सकता था। आपके रिश्तेदार, याद कीजिए वो दिन, आपका ये भाई, आपका ये बेटा, आपके परिवारजनों को हवा जहाज से ढो ढो करके आपके घर पहुंचाने का काम करता था। तो इसलिए साथी, अभी बहुत लंबा कार्यक्रम है और भी कार्यक्रमों में जाना है। 13 तारीख को याद रखिएगा, 13 तारीख को याद रखिएगा, हमारे महागठबंधन की तरफ से केंद्र त्रिपाठी जी,
मजबूती के साथ पहले भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं। इसको चुनाव जिताइएगा ना, क्रांति पार्टी जिंदाबाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार।